हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया के लिए चारों तरफ से अब अच्छी खबरें जो है ना वो यहाँ पर आने लगी हैं और टीम इंडिया ने जो है प्रैक्टिस मैच जो है वो जीत लिया है। और प्रैक्टिस मैच जीतने के बाद जो है ना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है, WTC फाइनल के मद्देनजर ये खबर है। मगर सबसे पहले प्रैक्टिस मैच पर बात करेंगे, फिर WTC फाइनल के उस रेस की बात करेंगे जहाँ पर टीम इंडिया ने जो है ना अपनी पकड़ अब मजबूत बना ली है, क्योंकि दूसरे टीमों के मैचेस भी चल रहे हैं, उनके नतीजे भी आ रहे हैं, उससे भी इंडियन टीम के चांसेस जो है वो इंपैक्ट यहां पर होते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस मैच, पिंक बॉल प्रैक्टिस मैच, डे नाइट प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ वो आपको दिखा देते हैं, उस पर बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। टीम इंडिया ने 6 विकेट से जो है 5 विकेट से, माफ कीजिएगा, प्रैक्टिस मैच जो है वो जीत लिया। डे नाइट प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया पीएम 11 को जो है हराया गया। 241 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने हासिल कर लिया। 240 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया पीएम 11 ने, जिसको टीम इंडिया ने हासिल कर लिया। 40-40 ओवर का यह मैच था। इस मैच में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। हर्षित राणा ने 6 ओवर की गेंदबाजी की, 44 रन दिए, 4 विकेट उनके नाम रहे। राहुल ने 27 रन बनाए और गिल ने 50 रन बनाए। ये दोनों बल्लेबाज जो है रिटायर्ड हर्ड, इनको करवाया गया ताकि दूसरे बल्लेबाजों को जो है मौका मिल सके। हर किसी ने चिप इन किया, बस एक रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तरफ से अच्छी खबर आई है। फ्रैक्चर से, अंगूठे के फ्रैक्चर से उभर कर जो है गिल की फिटनेस जो है वो भी साबित हो गई। वो किस तरीके की लय में है, ऑस्ट्रेलिया में पहले भी उन्होंने अच्छा किया हुआ है जब जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, तो अब उनकी भी एक तरीके से जो है आप सुनिश्चित हो गए कि भाई अब अगर आप चेंजेस करते हो 11 में तो आपको कोई चिंता नहीं है। पिंक बॉल से टीम इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर दे दी है। और ये प्रैक्टिस मैच जो 2 दिन का था मगर 1 दिन में ही समेटना पड़ा, क्योंकि 1 दिन बारिश की वजह से धुल गया था, उसमें टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल कर ली। प्रैक्टिस मैच जीतने के बाद कैप्टन साहब जो है रोहित शर्मा साहब खुश हैं। क्या बोला उन्होंने पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। ये काफी शानदार रहा और हम एक टीम के रूप में जो चाहते थे वो मिला। थोड़ी किस्मत खराब रही कि हम पूरा मैच नहीं खेल सके क्योंकि बारिश की वजह से 1 दिन धुल गया था, लेकिन हमें जो भी समय मिला हमने उसका पूरा फायदा उठाया। जो भी हमारे सामने था उसमें जीत हासिल की। यहाँ पर फैंस को देखना काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि जो प्रैक्टिस मैच में, हमें ऑस्ट्रेलिया आना शुरू से काफ़ी पसंद है, लोगों को यहाँ आकर हमें सपोर्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है। वो बेसिकली इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो भारी तादाद में आते हैं, चाहे प्रैक्टिस मैच हो या फिर टेस्ट मैच हो या फिर आप T20 इंटरनेशनली क्यों ना खेल रहे हो, दे ऑलवेज कम। इवन नेट्स में अगर आप जाओ तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है, जो अमूमन आपको ऑस्ट्रेलिया के नेट्स के अंदर भी नज़र नहीं आती, जो होम कंट्री वहाँ पर है। इस तरीके के पैशनेट फैंस होते हैं और रोहित उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हमें हासिल करना था, जो भी बॉक्सेस हमें टिक करने थे, ऑलमोस्ट वो बॉक्सेस जो हैं वो टिक हो गए हैं। यहाँ पर आयुष, बिल्कुल पूरी तरीके से बॉक्सेस सारे टिक हो गए हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से अगर रन आ जाते तो मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर कोई, इससे परफेक्ट प्रैक्टिस मैच कोई नहीं हो सकता था। गेंदबाजों ने अपना काम किया, परफेक्ट टाइम पे चिप इन किया, जिसको जिसको मौका मिला सबने एक आधा बेसिक विकेट्स ले लिए। पिंक बॉल से प्रैक्टिस हुई, बल्लेबाजी में सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गेंदबाज हमेशा से पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो बल्लेबाज जो हैं वही हमारा जो मोराल है वो गिराते हैं, मैच वही हरवाते हैं मोस्टली, क्योंकि गेंदबाज लगातार मैच जिता रहे हैं आपको, और गेंदबाजों पर अभी भी भरोसा था। सोचिए बिना बुमराह के हमने बेहतर गेंदबाजी की, तो प्रैक्टिस मैच में गेंदबाजों का तो सारी चीज़ें टिक हो ही गई थी, बल्लेबाजी पे जब बात आई तो लगा कि भाई कौन क्या करेगा, क्योंकि पिंक बॉल थोड़ी ज़्यादा हिलती है, बहुत देर बाद पुरानी होती है, आप उसको इतनी जल्दी पुराना भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की, जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई। और रोहित शर्मा के अलावा सबने, चाहे आप यशस्वी जायसवाल ले लीजिए, KL राहुल ने देखिए कितना कंफर्टेबल नजर आए, वो नई गेंद से कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि गेंदबाजी प्राइम मिनिस्टर्स 11 के गेंदबाज बेहतर करते नजर आ रहे थे उसके बावजूद। और उसके बाद जो भी बल्लेबाज आते हैं सबने अपना अपना जौहर जो है वो दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट था शुभमन गिल का, नंबर 3 की पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर शुरुआत में आपको 1-2 विकेट भी गिर जाए तो बहुत प्रेशर आ जाता है मिडिल ऑर्डर पे। शुभमन गिल का टच में रहना बहुत जरूरी है, चोट के बाद वापस आ रहे थे, अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ था, पहला मैच नहीं खेल पाए थे, के बाद कमबैक कर रहे थे, प्रैक्टिस मैच में दिखाया कि हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से फुल फ्लो में नजर आ चुके हैं, फुल फ्लो में आ चुके हैं, अपने बल्लेबाजी में पूरी तरीके से टच में नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात थी। कप्तान रोहित शर्मा की भी बात है तो चलिए, बहुत साल का अनुभव है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं, और ऑस्ट्रेलिया में खेलने का बड़ा अनुभव रहा है, तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि थोड़ा सा सेटल इन हो जाएंगे। प्रैक्टिस हालांकि लगातार कर रहे हैं, जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तब से लगातार वो पिंक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी उनको कवर किया था जब वो प्रैक्टिस सेशन
वगैरह कर रहे थे, तो इस तरीके से अब तो पूरी टीम इंडिया के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। जस्ट दैट की थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आउट हुए वही छठे स्टंप की गेंद को ड्राइव करते हुए, विराट कोहली वाली जिस गलती के लिए हम लोग बार बार उनको टोकते हैं, वही गलती विराट कोहली वाली रोहित शर्मा करते नजर आए इस मैच में। तो डिसिप्लिन पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अगर डिसिप्लिन बल्लेबाजी करते हैं जाहिर सी बात है टेस्ट मैच में गेंद ज्यादा हिलती है, तो अगर बाहर की गेंदों को छोड़ना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी होगी और रोहित पसंद करेंगे विकेट को, रोहित जो है वो इस विकेट को पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉल जो है वो बाउंस ज्यादा होती है इन विकेटों पे ऑस्ट्रेलियंस, और इन विकेटों पे बॉल जब बैट पे आती है तो रोहित को बाउंस पसंद भी है, तो मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा सेटल इन होने की बात है। रोहित के अलावा सारे बॉक्सेस हमने पूरी तरीके से टिक कर दिए हैं, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया। बिल्कुल जी, वेरी गुड न्यूज जो है ना वो टीम इंडिया के लिए आई है। शुभमन गिल को लेकर भी काफी पॉजिटिव खबरें, पहले कुछ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेज आपको प्रैक्टिस मैच में किस तरीके के वो दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 45 रन इन्होंने बनाए, जिस तरीके की फॉर्म दिखाई थी पर्थ में उसी को कंटिन्यू किया। स्ट्राइक रेट देखिए, इंटेंट देखिए, चौके की संख्या देखिए, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट नजर आया। थोड़ा सा वक्त लिया, उसके बाद अपने यूजुअल सेल्फ में आ गए, क्योंकि एग्रेसिव खिलाड़ी हैं और आपको एक सेट ओपनर जो है ना वो मिल गया है। रेड बॉल से भी अच्छा किया, पिंक बॉल से अभी तक कोई इन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेला, मगर प्रैक्टिस मैच में दिखा दिया कि बहुत ज्यादा इनको कोई तकलीफ होने नहीं वाली, सहज महसूस इन्होंने वहां पर किया। केएल राहुल की परफॉर्मेंस दिखाइए, केएल राहुल को जो है 44 गेंद खेलने के बाद 27 रन बनाने के बाद बुला लिया गया, देख लिया कि भाई ये जो है भाई ठीक है, कंफर्टेबल नजर आ रहे, कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आ रही, बाकियों को मौका दिया जाए। केएल राहुल ने उसी तरीके की इनिंग्स खेली जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने पर्थ में खेली थी, कि भाई अगर जो दूसरा बैटर चाहे वो आपका जूनियर अगर वो अच्छी फॉर्म में, उसको ज्यादा स्ट्राइक दो, अपना समय लेके खेलो, एक एंड को बचा के चलो, एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग जो खेली जाती है, बॉल्स को लीव करना और फिर इंतजार करना, वैसी ही इनिंग्स यहां पर केएल राहुल खेलते हुए एक अच्छे माइंडसेट में केएल राहुल यहां पर नजर आ रहे हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको मौका यहां पर मिल रहा है। अब आ जाते हैं जी शुभमन गिल के ऊपर। शुभमन गिल एक बहुत ब्राइट एकदम मतलब प्रॉस्पेक्ट, खुश हो गए होंगे यहां पर कप्तान साहब, टीम मैनेजमेंट भी, क्योंकि नाबाद 50 रन बनाए, रिटायर्ड हर्ट उनको करवाया गया क्योंकि बाकियों को मौका देना था, मगर 62 गेंदों पर 50 रन जो उन्होंने बनाए ना, वो ये दिखा गया कि भाई आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप उनको नंबर 3 पर खिला लो, आंख बंद करके खिला लो, ठीक है। 80 का स्ट्राइक रेट और क्या शॉट्स उन्होंने लगाए, अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद आशंकाएं बनी हुई थी कि भाई चलो जी पट्टियां तो हट गई हैं, मगर मैच फिट है कि नहीं, लय है कि नहीं, क्योंकि भाई एकदम से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस करना, आपने पिछले दिनों प्रैक्टिस भी नहीं करी है, मगर इस प्रैक्टिस मैच में साफ हो गया कि भाई शुभमन गिल इज हंग्री एंड शुभमन गिल इज फिट एंड फाइन, फॉर्म भी उनकी अच्छी नजर आ रही है। जडेजा को मौका दिया गया जी, 18 खिलाड़ी चुने गए थे, 18 में से 11 को, किसी 11 को गेंदबाजी करा लो, किसी 11 को बल्लेबाजी करा लो, जडेजा को चुना गया था, अश्विन को नहीं। जडेजा को मौका मिला, उन्होंने दिखाया कि भाई आप वाशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस तो दे रहे हो, मगर जडेजा कहीं से कम नहीं है, सालों से वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आए हैं और आगे भी निभा सकते हैं। इस प्रैक्टिस मैच में उन्होंने दिखाया 27 रन बनाकर 31 गेंदों पर 3 चौके उनके उन्होंने लगाए यहाँ पर। ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमेशा जडेजा देते आ रहे हैं, तो आपके पास दो विकल्प हो जाते हैं, अगर आप जडेजा के साथ जाना चाहते हैं या वाशिंगटन सुंदर के साथ जाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। जडेजा ने भी अपने रंग जो है वो वहां पर दिखा दिए, मगर इन सब में से जो सबसे गुड न्यूज है वो गिल को लेकर ही है। बिल्कुल, शुभमन गिल नंबर 3 की पोजीशन है और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, वो पहला टूर था वो हाँ। जब वहां पे और जब पहली बार हमने देखा उस सीरीज की अगर बात करें तो जिस तरीके से बड़े बड़े गेंदबाजों को शॉर्ट आर्म जैब कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मतलब लग गया था कि भाई क्या कॉन्फिडेंट खिलाड़ी, और बिल्कुल पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, उस सीरीज में दिखे थे शुभमन गिल के का वो जो टैलेंट है वो साफ नजर आया था, और उसी के बलबूते धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, अब तो बहुत मैच्योर खिलाड़ी हो चुके हैं, नंबर 3 की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है संभाल रहे हैं, उस समय ओपनिंग किया करते थे और चेतेश्वर पुजारा की जगह पे फिलहाल आ रहे हैं। टेम्परामेंट कमाल का है, और जिस तरीके से पिंक बॉल टेस्ट में जो डर था कि भाई चोट के बाद वापस आ रहे हैं क्या पूरी तरीके से फिट हुए, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि इंजरी अगर बेहतर ना हो तो दूसरा टेस्ट मैच भी मिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है मुझे नहीं लगता है कि अब कोई उनको रोक सकता है दूसरे टेस्ट मैच में जगह बनाने से, प्लेइंग 11 में उनकी जगह फिक्स होनी चाहिए और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेलते हैं। थोड़ी सी भी शुरुआत अच्छी मिल गई, टेम्परामेंट अच्छा है इनके अराउंड, फिर सारी बल्लेबाजी घूमती है जो काम पुजारा करते थे, और इसीलिए शुभमन गिल का इस टच में आना, पिंक बॉल से बेहतर करना बहुत जरूरी था भारतीय टीम के लिए, और खुशी होगी इस बात की कि भाई आते ही अपने रंग में नजर आए हैं और रिटायर हर्ट करना पड़ा, वरना जिस तरीके के लय में थे, जिस तरीके की तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा कि बिल्कुल शतक से पहले तो रुकेंगे नहीं, लेकिन रिटायर हर्ट इनको कराया गया। ओवरऑल अगर आप बात करें तो शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा दौरा है, पहला टेस्ट मैच मिस किया, उनसे
ज्यादा कोई निराश नहीं होगा, वो चाहते हैं। देखिए किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाना एक बहुत बड़ा चेकलिस्ट होती है जिसपे आप टिक करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का 5 मैच का ये दौरा है टेस्ट मैच का, और पहला मैच मिस कर जाना प्रैक्टिस में अंगूठे पे चोट लगने के कारण अनफॉर्चुनेट थे, और उनसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अंदर वो हंगर है कि जल्दी से मौका मिले, मैं पिच पे जाऊं, बल्लेबाजी का मौका मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊं, क्योंकि मुझे साबित करना है बहुत सारी चीजें। ऑस्ट्रेलिया में एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी जगह है, या प्रॉब्ली आप सेना कंट्रीज कह लें, वहां पे अगर आप रन बना लेते हैं, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के सामने रन बना लेते हैं, तो उसके बाद आपकी इज्जत जो है वो बढ़ जाती है, आपकी परफॉर्मेंसेस पे नजरें जो है वो गढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलिया का दौरा, शुरू से आप इतिहास उठा के देख ले, यहां जो अच्छा करता है वो आगे चल के बड़ा नाम बनता है इंडियन क्रिकेट में। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे नाम है, वीवीएस लक्ष्मण, तो यहां पे शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा मौका था। चलिए पिछला तो पहला दौरा था, इस दौरे पे जितना बेहतर करेंगे कहीं ना कहीं आगे के लिए यही सारी सीरीजें उनके करियर में हाइलाइट्स बनके आने वाली हैं। बिल्कुल जी, हाइलाइट्स बन के आने वाली है। शुभमन गिल को बहुत बहुत उनसे उम्मीदें रहेंगी और हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा करें, सारे यंगस्टर्स जो है वो बेहतरीन कर रहे हैं। चलिए जी बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, और रोहित शर्मा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओपनिंग से जो है ना, रोहित शर्मा आपको अगले टेस्ट मैच में हटे हुए नजर आ सकते हैं, उसका वानगी जो है वो देखने को प्रैक्टिस मैच में ही मिल गई, ओपन करने वो आए नहीं। स्पोर्ट्स अपडेट 2 दिखा दे फटाफट से, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की, रोहित शर्मा डे नाइट प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 3 रन बनाए नंबर 4 पर आकर। रोहित के नाम पिछले 5 टेस्ट मैचेस में ना सिर्फ 1 अर्धशतक है, फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही, रन नहीं बन रहे। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि वो आउट ऑफ टच नजर नहीं आ रहे हैं, बस वो रन नहीं निकल रहे। एडिलेड में क्या नंबर 5 पर रोहित बल्लेबाजी करेंगे? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि वो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जो पर्थ टेस्ट में रिकॉर्ड साझेदारी की ओपन करते हुए, उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। वैसे आपको बता दें 2018 के बाद ओपनर के तौर पर ही टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा खेले हैं, उससे पहले उन्होंने कुछ 25 26 27 मैच जो है वो मिडल ऑर्डर में या लोअर मिडल ऑर्डर में आप कह लीजिए वो खेले थे, उसके बाद से जो है उन्होंने वो नहीं किया है। मगर ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ओपनर जब नीचे जाता है ना तो उसको उतनी तकलीफ नहीं आती, क्योंकि जो नई बॉल खेल सकता है वो पुरानी भी खेल लेता है। बिल्कुल, प्लस बात ये भी होती है जो कल आप समझा भी रहे थे कि भाई अगर आपको सेकंड न्यू बॉल ड्यू हो जाए तो वो उसी वही समय होता है जब आपके 4-5 विकेट गिर गए होते हैं, ठीक है 70-80 ओवर हो गए होते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा है तो आपको फिर से नई बॉल जो है वो खेलनी पड़ती है। तो रोहित को लेकर एक कंसर्न जरूर है, मगर टीम बहुत ज्यादा इस पे माथापच्ची करेगी नहीं जब बाकी चल रहे हैं। देखिए रोहित और विराट में से कोई एक चल रहा हो ना तो उतनी टेंशन होती नहीं है, ठीक है, अगर दोनों ना चले ना फिर दिक्कत आ जाती है फॉर्मेट कोई भी हो तो। तो ये चीज जो है ना वो देखने वाली है। खैर एडिलेड में क्या होगा वो देखी जाएगी, एडिलेड टीम इंडिया रवाना हो चुकी है, ठीक है एडिलेड रवाना हो गई है, 6 दिसंबर से वहां पर पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। एडिलेड में भी जाकर अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है इंडियन टीम वहां पर कर लेगी, यहां पर अपनी तैयारियों को पुख्ता उन्होंने किया ही है, जहां पर अभी कैनबरा में प्रैक्टिस मैच खेला था। चलिए जी इन सब के बीच में एक खबर ना WTC फाइनल को लेकर भी आई है, टीम इंडिया की राह आसान हुई है। किस तरीके से हुई है हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि दूसरी टीमों के भी मैचेस चल रहे हैं। WTC फाइनल पहुंचने की राह जो है वो टीम इंडिया के लिए आसान हो गई है। टीम इंडिया के लिए नए समीकरण जो है ना वो सामने आए हैं। अब समीकरण ये है, पहले तो ये था कि भाई आप 4 टेस्ट मैच जीतो, ठीक है, अब समीकरण ये है कि सीरीज आप 5-0 से जीतो, 4-0 से जीतो, 4-1 से जीतो, या 3-0 भी चलेगा, 3-0 भी चलेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के खाते में कोई जीत ना आए तो 3-0 से भी आप सीधा एंट्री मारोगे, उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूसरी टीमों के नतीजे आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट बाहर हो गई है इंग्लैंड से हार के, तो अब रेस के अंदर मोटा मोटा साउथ अफ्रीका टीम बच गई है आपकी, श्रीलंका भी है अभी भी, हाँ श्रीलंका अभी बची हुई है, मगर श्रीलंका को मैचेस साउथ अफ्रीका में खेलने हैं, मतलब इट्स टू मच ऑफ अ टास्क कि वो श्रीलंका को, श्रीलंका साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हरा दे, व्हाइट वॉश कर दे, पहला तो हरा ही दिया, हाँ अब दूसरे पे नजरें हैं, और देखिए साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो कुल मिला के आपकी बात सही है कि मतलब मोटा मोटा जो टक्कर है वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के लिए भी सिचुएशन देखो बहुत बुरी नहीं है। साउथ अफ्रीका को सीधे फाइनल में जगह बनाने के लिए 3 मैचों में से 2 जीत हासिल करनी है, तीनों मैच इनको अपने होम ग्राउंड पर खेलना है, एग्जैक्टली, तो उनके भी लिए कोई बुरी सिचुएशन नहीं, आपको अपनी अर्न करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली, ठीक है। कहीं ना कहीं भारतीय टीम को भी ज्यादा सोच नहीं होगा, मुझे लगता है कि टेकिंग 1 मैच एट ए टाइम आप कॉन्सेंट्रेट करिए, अगर 3-0 भी नतीजा रहता है और एटलीस्ट आप इस सीरीज में कोई मैच गंवाते नहीं है तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम थ्रू होगी फाइनल में, क्योंकि अभी बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। और देखिए हर जीत के साथ केवल इंडियन टीम ऊपर नहीं जाएगी, ऑस्ट्रेलिया हर हार के साथ और नीचे भी आने वाली है सीरीज में, तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जितना ज्यादा इन टीमों में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स टेबल में, विनिंग परसेंटेज में, वहां पे साउथ अफ्रीका को फायदा होगा। श्रीलंका उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा फाइट बैक करे, क्लीन स्वीप ना होने दे, एटलीस्ट एक मैच में बेहतर करे, बट बहुत सारी टीमों के जो समीकरण है उस पर बहुत कुछ डिपेंड
डिपेंड करता है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है मुकाबले में। और डब्ल्यूटीसी की जो राह है फिलहाल आसान हो गई है, क्योंकि उधर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, उससे बहुत बड़ा एक फायदा हुआ, और साउथ अफ्रीका ने भी इधर हार के श्रीलंका के जो जो पोजिशनिंग थी उसको थोड़ा सा लूज किया है कहीं ना कहीं। लेकिन साउथ अफ्रीका भी एक बहुत बड़ी कंटेंडर है, पांचवें से सीधा दूसरे नंबर पर आ गई एक जीत के साथ, तो कहीं ना कहीं नजरें लगातार साउथ अफ्रीका पे होंगी, क्योंकि उनको अपने होम कंडीशन में खेलना है और सामने जो टीम है वो भी कोई बहुत भारी या बहुत टफ नहीं है, क्योंकि श्रीलंका साउथ अफ्रीका में कभी भी बहुत बेहतर तो करते नहीं नजर आई है। और अगर अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से ही रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी बहुत टफ कंटेंडर है, इसीलिए भारतीय टीम के लिए जरूरी है कि अगला डे नाइट टेस्ट मैच जीतें, जो मोमेंटम इस सीरीज में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड लेके आगे चलें और वहां पे फिर बेहतर प्रदर्शन करें। मुझे लगता है अगले दो टेस्ट मैच बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले, स्पेशली एडिलेड टेस्ट मैच, अगर ये मैच जीत जाती है टीम इंडिया तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी और कंट्रोल में भी नजर आएंगी टीम इंडिया के। बिल्कुल जी, और टीम इंडिया चाहेगी कि भाई वो दोबारा से जो है ना, मतलब यही चाहत है ही रोहित शर्मा की एज ए कैप्टन, विराट कोहली की प्रोबेबली लास्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल इनका कह लीजिए, हो सकता है इनमें से कोई एक टेस्ट मैच अभी और भी खेलता रहे, मगर इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक अपनी प्राइम फॉर्म में, एक अपने प्राइम ईयर्स के अंदर, जो उसके बाद फिर जो है इंतज़ार करना पड़ेगा दो साल का, क्या कहानी होती है दो साल तक क्या नहीं होती पता नहीं लगता भाई, इस उम्र में जहाँ आ गए वहाँ पे फॉर्म कभी भी साथ छोड़ती है तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाहेंगे कि भाई जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप, T20 फॉर्मेट, T20 वर्ल्ड कप जीत कर छोड़ा, एक हाई पर छोड़ा, इस फॉर्मेट से भी अगर अलविदा लेना है तो फिर यहाँ पर जो है इंडिया को WTC का वो खिताब दिला दे, वो ICC की ट्रॉफी दिला दे, तो वो काम भी जो है नक्की होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पीछे भी टीम इंडिया पड़ी हुई है, दो WTC फाइनल टीम इंडिया ने खेल लिए, जीत हासिल अभी नहीं हुई है। चलिए जी, एक बात रह गई थी बीच में, रही गई भाई, हमने बाकी सारी खिलाड़ियों की बात की, हर्षित राणा की नहीं की, बड़ी खिंचाई हो रही थी भाई जब ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया कि भाई फेवरेटिज्म के कारण ले जाया जा रहा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें थी, हमने भी की क्योंकि सीधा ऑस्ट्रेलिया ले जाना, मगर गंभीर का जो सोची समझी कैलकुलेशंस थी वो ठीक नज़र आ रही हैं, मतलब बहुत सैटिस्फैक्ट्री लेवल पे परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, और एक आप डेब्यूटेंट से, एक नए खिलाड़ी से क्या ही उम्मीद करोगे जो पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा रहा है, पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अपनी स्पार्क दिखाया। हर्षित राणा ने 6 गेंदों में 4 विकेट हासिल किए, प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, 2 ओवर में 2-2 विकेट निकालकर उन्होंने ये कमाल किया। प्राइम मिनिस्टर 11 131/2 थी, अच्छा नजर आ रहा था उनका सब कुछ, उस समय 4 विकेट निकाले 133/6 हो गए, सिर्फ 2 रन के अंतराल में 4 विकेट निकाल के उनकी पूरी जो है पारी डिरेल कर दी। पर्थ टेस्ट में हर्षित राणा ने 4 विकेट वहां पर भी निकाले थे। पेस कोई बहुत ज्यादा 150 हमेशा टच नहीं कर रहे हैं, मगर ये कि एग्रेशन पूरा है, एग्रेशन पूरा है, और ऑस्ट्रेलिया में उसी की जरूरत है। आप देखिए जिस तरीके से परेशान करना, स्लेज करना, जिस तरीके से अग्रेसिव गेंदबाजी करना और रिदम में रहना, पहला दौरा है, युवा खिलाड़ी है, एनर्जी पूरी भरपूर है, वो खुद को भी ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी कंडीशन में साबित करना चाहते होंगे, उनको भी पता है सोशल मीडिया और फोन से अछूते तो वो भी नहीं रहे होंगे, उनको पता है कि क्या बातें सीरीज के पहले उनको लेके उठ रही थी, तो वो भी खुद को साबित करना चाहते होंगे बहुत हद तक, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि वो भी डेस्परेट है। पहले मैच में बेहतर किया ट्रेविस हेड को, जिस तरीके से बोल्ड मारा, मतलब मेरे लिए तो वो उस मैच की वन ऑफ द हाइलाइट्स है, और उसके बाद अब इंपॉर्टेंट होगा पिंक बॉल से। आप देखिए मैच में जिस तरीके से 6 गेंदों के अंदर 4 विकेट लेके प्रैक्टिस मैच में मैच का रुख ही पलट दिया पूरी तरीके से, टीम इंडिया का कमबैक करा दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि हर्षित राणा डिजर्व्स अ प्लेस, और ज्यादा इफेक्टिव भी नजर आया। आकाशदीप ने भी गेंदबाजी की थी पिंक बॉल में प्रैक्टिस मैच में, और हर्षित राणा ने भी की, लेकिन हर्षित राणा ज्यादा इफेक्टिव नजर आए, जाहिर सी बात है उनकी जो लेंथ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई गेंदबाज या तो आगे डालने वाला होता है या हिट द डेक वाला होता है, इनके पास दोनों कला, ये हिट द डेक भी कर सकते हैं और जो इनका नेचुरल एक्शन है उससे गेंद आगे भी जाती है, तो मुझे लगता है कि कंडीशन के हिसाब से बड़े अप्रोप्रिएट गेंदबाज हैं, ज्यादा कंडीशंस में ढलने के लिए इनको आसानी होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, और इसीलिए गौतम गंभीर ने कुछ तो एक्सपेक्टर इनके अंदर देखा ही होगा, जाहिर सी बात है तभी इनको इतना मौका दिया जा रहा है, फर्स्ट क्लास का भी बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में बेहतर कर रहे हैं, मुझे लगता है पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी नजरें होंगी, और प्लेइंग 11 में जिस तरीके का प्रैक्टिस मैच में परफॉर्म किया, जिस तरीके का पर्थ टेस्ट मैच में परफॉर्म किया, मुझे लगता है कि क्लियर कट हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में जगह बनाने वाले हैं, और एडिलेड टेस्ट मैच में भी उतनी ही क्रूशल होगा इनका रोल, उतना ही क्रूशल होगा अपनी गेंदबाजी से जितना पर्थ टेस्ट मैच में इन्होंने काम किया था। बिल्कुल जी, हर्षित राणा अपना काम करेंगे, और अपना एक इस प्रैक्टिस मैच के परफॉर्मेंस से ना एक चीज उन्होंने करा ली कि भाई अब आप उनको ना
अगले टेस्ट मैच में इग्नोर नहीं करते exactly. क्योंकि अब आपको पता है भाई ये कभी भी दो चार विकेट निकाल के ना मैच का पासा पलट सकता है. एग्रेशन है, भूख है, हंगर है, यंग है, तो वो सब चीजें जो है ना वो है, वो उन्होंने सुनिश्चित यहां पर कहीं ना कहीं कर लिया है. तो मोहम्मद शमी को वापस बुलाने की जो ईगरनेस है ना वो थोड़ा सा वो जो है ना वो कम होती है कि भाई है तो सही मगर ये है कि भाई चलो एक यंगस्टर अच्छा कर रहा है तो आप इतना ज्यादा घबरा नहीं रहे अभी, तो पूरा देख दाख के जो है मोहम्मद शमी को आप बुलाओगे. रस्सी वैसे जल गई है मगर अभी तक बल गया नहीं है. वो बल शायद जो है अगले टेस्ट मैच में हार के ऑस्ट्रेलिया का चले जाए मगर अभी तक नहीं गया. स्कॉट बोलैंड का एक बयान दिखा देते जो उनके तेज गेंदबाज है, प्रोबेबली अगले टेस्ट मैच में खेलते हुए भी वो नजर आएंगे. उन्होंने जो है ओपन चैलेंज एक तरीके से दे दिया है, हमने बतौर टीम सिर्फ एक दो कोई स्पेशल नहीं बल्कि सभी भारतीय बल्लेबाजों के लिए प्लान तैयार किया है. मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताऊंगा लेकिन हमारे पास अगले टेस्ट मैच के लिए काफी अच्छी प्लानिंग है. पर्थ में भारतीय खिलाड़ियों को फिर से देखने के बाद हमने कई चीजों में बदलाव भी किए हैं. जाहिर तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग में बढ़िया बल्लेबाजी की और उसका एक अच्छा नजारा पेश किया. हम अगले हफ्ते इसके बारे में बात करेंगे और हमारी प्लानिंग में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमने पहले मैच में जो किया वो सही था. अपने कप्तान को डिफेंड भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमारी प्लानिंग तैयार है, हमने अपने प्लान्स जो है ना वो दोबारा से ड्रॉ किए पहला टेस्ट मैच देखने के बाद. हालांकि खुद क्या कर लेंगे इस पर बहुत बड़ा सवाल है. अभी प्रैक्टिस मैच के अंदर भी ये कुछ खास नहीं कर पाए, अनऑफिशियल टेस्ट मैच था वहां पर भी कुछ खास नहीं कर पाए. ये जरूर है कि WTC का फाइनल जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें इन्होंने फाइफर जरूर झटका था मगर वो इंग्लैंड की कंडीशंस थी, ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस है. बातें बड़ी बड़ी हैं जब तक मैदान पर ना दिखे सिर्फ बातें हैं और इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयानबाजियां बातें जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रही हैं. चलिए जनाब इन सब खबरों पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रखेंगे. प्लीज स्पोर्ट्स9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय.